हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओ टू आई अकेडमी तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते हैं एम के द्वारा तो डेली के हम 10 एम प्रैक्टिस करते हैं आज के एम शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ओ टू आई अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये पी मिल जाएगी थोड़ा सा बीच में डिसकन्टिन्यू हो गया था ये एम लेकिन आगे से हम इंश्योर करेंगे कि रोज़ आपको ये एम जो हैं वो मिले तो आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट रिलेटेड टू कौंडल्ड लाइफ सेंचुरी अगर मैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूं तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु की एक सेंचुरी से आंध्र प्रदेश की कौंडिंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एलिफेंट्स का हर्ड है वो मूव कर रहा है ताकि अपने मेट्स को एक तरह से ढूंढ सकें तो ये जो कौंडिंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है तो जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू कुंभलगढ़ फोर्ट अब ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो न्यूज में किस लिए था तो जी के जो डेलीगेट्स हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जी की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आ चुकी है ट्वेंटी के

के बारे में आपको पता होना चाहिए इवन यहाँ पे जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो बन जाएगा वन टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वेटनसडे को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है यहां पर उनकी मीटिंग हुई थी इस कमेटी के बारे में बात करूं तो आर एक्ट नाइनटीन जो है उसका एक सेक्शन है दैट इज फोर्टी जेड बी सेक्शन इस सेक्शन के तहत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग कमेटीज थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाना चाहिए जैसे कि रघु राम राजन कमेटी हो गया है ना इसके अलावा भी और सारी कमेटीज थी फिर जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर आपको छह मेंबर्स देखने को मिलेंगे जिसमें से तीन मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और तीन मेंबर्स जो हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं जो तीन मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनका जो टेन्योर रहता है वो चार साल का रहता है और यहाँ पे जो गवर्नर्स हैं बेसिकली जो आर की तरफ से जो तीन मेम्बर्स रहते हैं उसके अंदर जो आर का चेयरमैन है वही इस मॉनिटरी पॉलिसी का चेयरमैन रहता है इवन आपको देखने को मिलेगा कि जिस टाइम पे कोई भी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए अगर वो वोटिंग वगैरह करनी पड़े तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन है जो कि आर के गवर्नर रहते हैं तो यहाँ पर उनकी कास्टिंग वोट जो है ये देखने को मिलती है तो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में मैंने सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो साल में एटलीस्ट चार बार तो मिलनी ही चाहिए तो यहाँ पे तीन तीन महीने का टेन्योर रख लेते हैं कि तीन महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मिल सकती है लेकिन आर एक्ट नाइनटीन के अंदर एक स्पेशल सेक्शन है जिसके तहत यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो स्पेशल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है जो कि मैंने आपको लास्ट पिछली कुछ क्लासेस के अंदर भी बताया था कि जिस टाइम पे उनकी स्पेशल मीटिंग हुई थी नवंबर के अंदर तो दैट मींस यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट इज इन लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू जीवन जीवन प्रमाण प्रमाण तो स्कीम जो है 2014 के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी और इसके अंदर जितने भी पेंशनर्स हैं जो कि अपनी पेंशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ये एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज है पेंशनर्स के लिए ताकि उनको लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको पेंशन तब तक ही मिलेंगी जब तक वो अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है जाकर दिखाते रहेंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि ये जो फैसिलिटी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उनको मिल सकती है तो दैट मीन्स बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज तो जैसा कि आप जानते हैं कि जी की प्रेजेंटशिप हमारे पास आ गई है तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं इन्होंने बोला है कि ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो इंडिया बनने वाला है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो लाइक करती हैं बेसिकली ये ऐसी कोई अलग से ग्रुपिंग नहीं है तो ये एक ऐसी लूज़ कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है दैट मीन्स हम नॉर्मली इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि ग्लोबल साउथ के अंदर ये ये कंट्रीज़ इंक्लूड होंगी तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर यू एस कैनेडा रशिया और इवन जो यूरोप है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी ग्लोबल नॉर्थ के अंदर लाइक करते हैं दूसरी तरफ अगर मैं ग्लोबल साउथ के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर जो भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज होगी लेटिन अमेरिका की कंट्रीज होगी इज़ अफ्रीका की कंट्रीज होगी और इंडिया के अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज होगी ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ के अंदर लाई करती हैं तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो आपने रेकग्नाइज करना है कि ग्लोबल साउथ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो ग्लोबल नॉर्थ में आ जाएंगी तो यहां पर आपका आंसर बनेगा थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो रिसेंटली न्यूज में इसीलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक स्पीच के अंदर बोला है कि जो एन जैक है दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाई गई थी लेकिन बाद में उसको खत्म कर दिया गया था बेसिकली जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए एक कमेटी को बनाया गया था लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिव्यू किया जुडिशल रिव्यू हुआ तो एनजेक जो बनाई गई थी जो अलग से कमेटी बनाई गई थी तो उसको एक तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था तो इसी के रिगार्डिंग जो वाइस प्रेजिडेंट जी हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं तो पहले हम वाइस प्रेजिडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं धीरे धीरे हम एन के रिगार्डिंग भी यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको यहां पे दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जगदीप सिंह जी जो हैं अभी हमारे रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी इनसे पहले वेंकैया नायडू जी जो हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो दैट मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्पिन दैट इज अ स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क तो अगर मैं इस नेटवर्क के बारे में बात करूं तो रिसेंटली इसरो ने मिलकर सोशल एल्फा के साथ मिलकर एक मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इसीलिए साइन किया गया है ताकि स्पेस सेक्टर के अंदर या फिर स्पेस सेक्टर जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन सभी सेक्टर के अंदर यहाँ पे इनोवेशन को लाया जा सके तो दैट मीन ऑन्टरप्रिनशिप को भी एक तरह से बढ़ावा देने के लिए या फिर इनोवेशन लाने के लिए इस हब को लॉन्च किया गया है या फिर सोशल एल्फा ने मिलकर जो स्पिन है इसको लॉन्च किया है ये बोल रहे हैं कि आप जो स्पेन के अंदर जो भी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं इसके अंदर इसरो का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं और सोशल एल्फा का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो भी आप स्पेस सेक्टर के अंदर इनोवेशन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लेटफॉर्म है इनोवेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी और इवन स्पेस इको के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी आपका बनेगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू साइक्लोन तो इस साइक्लोन के बारे में बात करूं तो ये जो साइक्लोन है इंडियन ओशन वाले रीजन में ओरिजिनेट करता हुआ आपको दिखेगा अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है और इसका जो नाम है वो यू ने सजेस्ट किया है इंडिया ने इसका नाम सजेस्ट नहीं किया तो दैट मीन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो ये जो साइक्लोन है स्लो मूविंग साइक्लोन है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइक्लोन है वो विंड की स्पीड लेकर एक तरह से बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो जो भी साइक्लोन होता है उसके अंदर एक लो प्रेशर एरिया रहता है और उसके आसपास हाई प्रेशर एरिया रहता है इस लो प्रेशर रीजन को ही हम साइक्लोन की आई के नाम से जानते हैं इसके अलावा साइक्लोन की और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि नॉर्थन हेमिसफेयर में जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है और सर्दर्न हेमिसफेयर में जो साइक्लोन्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है तो ये कुछ चीज़ें हैं साइक्लोन के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए इवन जो हाई प्रेशर एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा क्लाउड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और इसी एरिया में सबसे ज्यादा बारिश रहती है लो प्रेशर एरिया के अंदर बारिश नहीं होती तो दैट मीन आपकी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको कई बार कट uh, डाउन कर देती है या फिर कई बार अपग्रेड कर देती है तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जी को कट डाउन कर दिया था लेकिन अभी रिसेंटली सिक्स तक कट डाउन कर दिया था अभी रिसेंटली अपग्रेड करके सिक्स परसेंटेज हो गई है तो इसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है दैट इज इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट तो दैट मीस यहाँ पे का जो आंसर बनेगा इस कन्वेंशन के बारे में बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है तो रिसेंटली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ नंबर 15 है ये कनाडा के मोन्टल वाले रीजन में कंडक्ट करवाई जा रही है अगर मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी वहां पर अलग अलग कन्वेंशंस जो हैं वो सामने देखने को मिली थी जैसे कि यू एन एफ ट्रिपल सी हो गया इन द सेम वे यू एन सी बी डी जो कि आपकी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी उसी टाइम पर बनी थी इस कन्वेंशन के अंदर बात करी गई कि हमारे ग्लोबली हमारे वर्ल्ड में जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज किया जाएगा इवन उसको कंजर्व किया जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में यू के अंदर बात करी गई यहाँ पे इवन यू एन जो है उसकी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती हैं और उसी टाइम पे अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी सामने देखने को मिली जैसे कि काट कार्टिज, प्रोटोकॉल जो है वो 2000 के अंदर आई थी और 2003 के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया था इन द सेम वे जो नगोया प्रोटोकॉल है वो टू के अंदर आया था और इसी प्रोटोकॉल के अंदर बात करी गई कि जितने भी हमारे जेनेटिक रिसोर्स हैं उसका यूटिलाइजेशन और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो फेयर एंड इक्विटेबल होने चाहिए तो दैट मीन्स हर एक कंट्री जो है इन सारी की सारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका फेयर और इक्विटेबल यूज कर सके तो इसके बारे में बात करी गई थी तो दैट मीन्स यहाँ पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएगी आपका आंसर बनेगा वन टू एंड थ्री तो आई होप आपको यहां तक जो करंट अफेयर्स हैं जो भी चीजें न्यूज में चल रही हैं उनके एम अच्छे से समझ में आए होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एम के साथ मिलेंगे थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे